Hello students, today's topic is concept of feedback. Students, इस लेक्चर में हम फीडबैक के फिजिकल इंट्यूशन को स्टडी करेंगे. सबसे पहले हमें यह पता करना होगा कि फीडबैक का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था. फीडबैक का कंसेप्ट हैरोल्ड स्टीफन ब्लैक्स नाम के साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च पेपर में इंट्रोड्यूस किया था और उन्होंने हमें ये बताया था कि जो फीडबैक का कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के ज्यादातर सर्किट के अंदर यूज किया जाता है. तो स्टूडेंट्स, चलिए हम फीडबैक के कंसेप्ट पर बात करते हैं. जैसा कि फीडबैक का नाम है तो इसके नाम से ही हमें कुछ पता चल रहा है. ये जो फीडबैक है दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है. एक है हमारे पास फीड, दूसरा वर्ड है हमारे पास बैक. अगर हम बैक के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें तो बैक का मीनिंग होता है पीछे और फीड का मतलब होता है अप्लाई करना, देना या फीड करना. अब जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर लेफ्ट हैंड साइड से हम इनपुट देते हैं और राइट हैंड साइड से हम आउटपुट को नोट करते हैं. यानी कि हमारे पास ये जो है ये फ्रंट साइड है और ये हमारे पास बैक साइड है. तो यानी बैक साइड में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट के अंदर क्या होगा, आउटपुट होगा. तो फीडबैक का कंसेप्ट हमें क्या कहना चाह रहा है, फीड एंड बैक, यानी कि आगे वाले पोर्शन का कुछ हिस्सा कहां पर अप्लाई कर दो आप, बैक में अप्लाई कर दो. यानी कि जो हमारे पास आउटपुट का कुछ पोर्शन है उसको मैं बैक के अंदर कहां पर अप्लाई कर दूं, इनपुट के अंदर अप्लाई कर दूं. इस प्रक्रिया को या इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फीडबैक बोलते हैं. तो फीडबैक का मीनिंग क्या होगा, वो प्रोसेस जिसके द्वारा आउटपुट का कुछ पोर्शन हम क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें उस डिवाइस के इनपुट के ऊपर. अगर हम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम फीडबैक की डेफिनेशन को क्या लिखेंगे, फीडबैक मींस, फीडबैक का मतलब ट्रांसफरिंग ए पोर्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी. एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी क्या चीज होती है फिजिक्स के अंदर, वोल्टेज या करंट. यानी कि हमें आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट करंट का कुछ पोर्शन ट्रांसफर करना है उस डिवाइस के इनपुट के ऊपर. तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फीडबैक. यानी कि फीडबैक मींस ट्रांसफरिंग ए पोर्शन ऑफ आउटपुट एनर्जी ऑफ सम डिवाइस टू इट्स इनपुट. यानी कि डिवाइस का जो आउटपुट का कुछ पोर्शन अगर उसी डिवाइस के हम इनपुट के ऊपर अप्लाई करते तो दैट इज कॉल्ड द फीडबैक. अब ये फीडबैक हमें जानने की जब कोशिश करी तो फीडबैक क्या एक ही टाइप की होती है या इसकी अलग अलग टाइप होती है, तो हमें पता चला फीडबैक दो टाइप की होती है. जो फर्स्ट फीडबैक होती है उसको नाम दिया गया पॉजिटिव फीडबैक और सेकेंड को नाम दिया गया नेगेटिव फीडबैक, और ये इनके नाम से डिफाइन किया गया. अब मैं इन चीजों के कंसेप्ट को आपको समझाने की कोशिश करता हूं. पॉजिटिव फीडबैक क्या करेगी, देखिए मैं यहां पर बात कर रहा हूं किसी सर्किट की, और यहां पर ये जो मैंने सर्किट बना रखा है ये क्या चीज है, ये एक बॉक्स है, और ये बॉक्स को क्या नाम दे दिया गया, ब्लैक बॉक्स, क्योंकि ये ब्लैक नाम के साइंटिस्ट ने इस फीडबैक के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था. तो ये ब्लैक बॉक्स जो है वो क्या है, कोई ना कोई सर्किट है. यानी कि ब्लैक बॉक्स क्या डिफाइन करता है, हम उस सर्किट के इंटरनल डिजाइन के बारे में कुछ नहीं जानते. यानी कि हमें उस सर्किट के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में अवेयर हम नहीं हैं. विदाउट एनी नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर सच टाइप ऑफ ए सर्किट आर कॉल्ड द ब्लैक बॉक्स. अब ये ब्लैक बॉक्स जो है
ये जो बॉक्स है ये हम इसको नाम दे रहे हैं एम्पलीफायर, यानी कि ये एम्पलीफायर कॉमन इमीटर भी हो सकता है। कॉमन इमीटर कैसा होता है, वो फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करता है 180 का इनपुट और आउटपुट के बीच के अंदर, यानी कि वो इन्वर्ट करेगा, सिग्नल को चेंज कर देगा। अगर ये एम्पलीफायर मेरे पास कॉमन बेस है तो कॉमन बेस हमने पढ़ा था वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फेस इंट्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कि क्रस्ट अपर साइड है तो क्रस्ट अपर साइड ही आएगी, ट्रफ लोअर साइड है तो लोअर साइड ही आएगी आउटपुट सिग्नल के। यानी कि कॉमन बेस कोई भी फेस को इन्वर्ट नहीं करेगा तो उसको नाम दे दिया गया नॉन इन्वर्टिंग, और इन्वर्टिंग कौन बना, कॉमन इमिटर बना। तो ये हमें कुछ नहीं पता है ये एम्पलीफायर कौन सा है, लेकिन एम्पलीफायर का हमें मीनिंग पता है। एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर भी एक प्रोसेस को फॉलो करता है, और वो क्या करता है, जब हम आउटपुट एम्पलीफायर की नोट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ हमें आउटपुट के अंदर अगर इंक्रीज होकर मिलती है, यानी कि वो आउटपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को क्या कर दे, बढ़ा दे, इंक्रीज कर दे, एम्पलीफाई कर दे, तो ऐसे डिवाइस को हम क्या नाम देते हैं, एम्पलीफायर। और हमें फिजिक्स के अंदर एम्पलीफायर कौन मिला, हमें एक ट्रांजिस्टर मिला था। हमें पता है ट्रांजिस्टर क्या करता है, इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ को एम्पलीफाई करता है आउटपुट के अंदर, तो हमने ये भी बोला था ट्रांजिस्टर एक्ट्स एज एन एम्पलीफायर। तो वो ट्रांजिस्टर कॉमन इमिटर भी हो सकता है, कॉमन बेस भी हो सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो ये मैंने एक ब्लैक बॉक्स लिया है जो कि एम्पलीफायर है। इस एम्पलीफायर का ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये इनपुट पोर्शन है, और जो आउटपुट साइड है वो हमारा राइट हैंड साइड के अंदर है। और मेरे को ये पता है इनपुट के अंदर, इनपुट हमें किसी भी डिवाइस को अपला देते हैं और आउटपुट उस डिवाइस की क्या करते हैं, लेते हैं, और ले क्या चीज रहे हैं हम, आउटपुट, और लेते क्या है किसी भी सर्किट के अंदर, हम रीडिंग्स लेते हैं, हमें पता है। और रीडिंग किस से ली जाती है, या तो वोल्ट मीटर से ली जाती है या एमीटर से ली जाती है, यानी कि वोल्ट मीटर अगर आउटपुट के अंदर है तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होता है। तो यानी कि अगर मैं बात करूंगा वोल्ट में आउटपुट की, तो आउटपुट के अंदर हमेशा अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे तो वो पैरेलल की बात होगी या संट की बात होगी। अगर आउटपुट के अंदर हम बात करें किसकी, करंट की, करंट को हम किससे नोट करते हैं, एमीटर से, और एमीटर किस में कनेक्ट होता है, हमेशा सीरीज के अंदर। तो ये तो बात होगी, अगर मैं यहाँ पर आउटपुट के अंदर वोल्टेज की बात करूंगा तो पैरेलल की बात करूंगा, अगर मैं करंट की बात करूंगा तो मैं किसकी बात करूंगा, सीरीज की बात करूंगा। और इनपुट के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, इनपुट सर्किट को हम देते हैं, देते किस चीज से हैं, किसी सोर्स से देते हैं। अब वो सोर्स क्या होगा, या तो वोल्टेज सोर्स होगा या करंट सोर्स होगा। अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं, प्रैक्टिकली जब हम करने जाते हैं तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस किस में लगा होता है, सीरीज में लगा होता है, और करंट सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस किस में लगा होता है, पैरेलल में लगा होता है। यानी कि अगर मैं इनपुट के अंदर वोल्टेज सोर्स की बात करूंगा तो वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, सीरीज की बात कर रहा हूं, ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। अगर मैं इनपुट के अंदर अगर मैं करंट सोर्स की बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं, पैरेलल की बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर वोल्टेज दे रहा हूं तो अभी मैं बात करूंगा कैसे बात करूंगा, देखिए, तो ये मेरे पास ब्लैक बॉक्स है, इसका मेरे पास ये आउटपुट पोर्शन है, ये मेरे पास इनपुट पोर्शन है। इस आउटपुट का कुछ पोर्शन हम अप्लाई करना चाहते हैं इनपुट के ऊपर, तो आउटपुट को मैं कैसे लूंगा, पैरेलल लूंगा। तो ये मैंने, अगर ये पॉजिटिव मैंने वोल्टेज सोर्स लगा दिया है, अभी बात करेंगे, देखो ये मैंने पॉजिटिव, इसका मतलब ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अभी मैं समझाऊंगा ये सारी चीजें।
तो ये मैंने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है, जितने वोल्टेज सोर्स से वोल्टेज अप्लाई कर रहा हूं वो इस एम्पलीफायर के लिए किसका काम करेगी, इनपुट का काम करेगी। तो यहां पर मैंने उसको डिफाइन कर दिया, इसका मतलब इसके एम्पलीफायर के ऊपर इनपुट कितनी अप्लाई की है, वी आई अप्लाई की है। अब मेरे को आउटपुट कितनी मिली है, वी नॉट मिली है। तो इसका मतलब मैंने इस एम्पलीफायर के अंदर सिर्फ क्या नोट किया, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस को नोट किया, और इस एम्पलीफायर ने एम्पलीफाई करके हमें क्या दे दिया, एम्पलीफिकेशन क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। इसका मतलब ये मैंने क्या निकाल दिया, इसका वोल्टेज गेन निकाल दिया, एक गेन इसका क्या है ये मेरे पास डिफाइन कर। अब यहां से जब मैंने गेन निकाला तो ये मैंने सर्किट देखा, इनपुट आउटपुट कोई इसके अंदर लूप नहीं है, कोई भी आउटपुट का पोर्शन हमने इनपुट के ऊपर नहीं दिया है, तो इसका मतलब इसके अंदर ये कैसे गेन है, ये विदाउट फीडबैक है। इसका मतलब ये मैंने गेन जो निकाली है विदाउट फीडबैक निकाली है और विदाउट लूप निकाली है। अब मैं बात करता हूं आउटपुट का, अगर मैं कुछ पोर्शन क्या करूं इनपुट को दूं, पूरी की पूरी नहीं देना चाहता मैं, कुछ पोर्शन, मतलब अगर मैं यहां पर आउटपुट 10 आई है तो इस फीडबैक से मैं कितने दो, सपोज करो 1 दो, तो मैं उसका कुछ पोर्शन देना चाहता हूं। तो यहां पे हमने फीडबैक को लगाया, तो फीडबैक सर्किट को जो लगाया है, ये फीडबैक सर्किट क्या करेगा, आउटपुट का कुछ पोर्शन हमें देगा। इसका मतलब इस फीडबैक नेटवर्क के लिए, फीडबैक सर्किट के लिए जो ये आउटपुट है वो किसका काम करेगी, इनपुट का काम करेगी, और ये किसका काम करेगी, आउटपुट का। तो मैंने इस फीडबैक सर्किट के गेन अगर निकाले, उसको मैंने डिफाइन किया बीटा से, ये मैंने बीटा से डिफाइन किया। तो यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आउटपुट मेरे पास जितनी है, यहां पर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो यहां पर ये नेगेटिव आ गया मेरे पास और ये पॉजिटिव आ गया और ये वी नॉट आ गया, ये इनपुट है मेरे पास, और मैं इसको कितना देना चाह रहा हूं सिग्नल, उसके वो सिग्नल मेरे पास आया, ये जो सिग्नल आया उसकी वोल्टेज आई मेरे पास वी है, ये मेरा इनपुट अब आउटपुट का काम करेगा। तो इस फीडबैक सर्किट की गेन जो आएगी, आउटपुट मेरे पास वी एफ है, ये मैं विद फीडबैक ले रहा हूं वोल्टेज, ये मेरे पास वी नॉट है, ये तो मेरे पास विदाउट वाली आ रही है। तो यहां से वी एफ को मैं क्या, कितना वोल्टेज का कितना पोर्शन इनपुट को देना चाहता हूं, तो ये कितना निकाल लिया मैंने, कितना देना चाहता हूं, वी एफ इज इक्वल टू बीटा टाइम वी नॉट, ये देना चाहता हूं। अब मैं बात करता हूं पॉजिटिव नेगेटिव की, जो ये सिग्नल दे रहा हूं वही डिफाइन करेगा मेरा फीडबैक, ये जो नेट, ये जो फीडबैक वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा हूं इस इनपुट को, वो इस एम्पलीफायर की वोल्टेज गेन को बढ़ाएगी या घटाएगी इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखिए मैं कह रहा हूं मेरे पास दो ही टाइप की ये फीडबैक सिग्नल मेरे को मिल सकता है, जो इस इनपुट की वैल्यू को कम कर सकता है या इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है, वो कैसे। अब ये देखिए, अगर ये एम्पलीफायर मेरा कैसा है, नॉन इन्वर्टिंग है, नॉन इन्वर्टिंग का मतलब वो इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा है, अगर मैंने इस टाइप का सिग्नल दिया है तो आउटपुट के अंदर मेरे को इसी टाइप का सिग्नल मिलेगा, लेकिन इन उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होकर मिलेगी, दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। अब ये मैंने जो फीडबैक सर्किट लिया है, फीडबैक सर्किट पहले हम बात कर लें किस चीज का बना होता है, ये पैसिव नेटवर्क का बना होता है, यानी कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर और इंडक्टर्स का बना होता है, यानी कि रेजिस्टेंस कैपेसिटर इंडक्टर हमें पता है क्या काम करते हैं, अपोजिशन का काम करते हैं, करंट के लिए अपोज करता है उसको फ्लो होने से। इसका मतलब ये जो फीडबैक सर्किट है वो किस चीज का काम करेगा, अटेन्यूएटर का काम करेगा, सिग्नल्स को रोकने की कोशिश करेगा। तो मैं बात करता हूं, अब अगर ये फीडबैक सर्किट इस इनपुट के कुछ पोर्शन को क्या करे, जिस फेस में आ रहा है उसी फेस के अंदर बाहर निकाले, मतलब ये भी कैसा फीडबैक सर्किट है, फीडबैक नेटवर्क है, नॉन इन्वर्टिंग है,
यानी कि जैसा सिग्नल है वैसा का वैसा अगर सिग्नल हमें आउटपुट के अंदर मिल रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। अगर ये सिग्नल मैं अप्लाई कर रहा हूं इनपुट के ऊपर, तो मेरे को यहां पर इस एम्पलीफायर के ऊपर कितने रिजल्टेंट वोल्टेज को अप्लाई करना होगा, तो ये मेरे को देखना है। सेम फेज के अंदर आकर ये क्या हुई है, ऐड हुई है। और इनपुट के अंदर वोल्टेज मैंने अभी बात की थी, वोल्टेज किसने ऐड होगी, सीरीज, ये कनेक्शन जो होगा वो कैसा होगा, सीरीज के अंदर होगा। इसका मतलब देखिए, अभी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये, अगर मैं सर्किट की बात करूं तो मेरे पास ये कोई वोल्टेज है, यहां से मैंने ये बैटरी लगा दी, सपोज करो ये पॉजिटिव टर्मिनल है मेरे पास और ये मेरे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये मेरे पास सोर्स है ये वाला, और ये Vs है मेरे पास। अब ये मैंने दिया है किसको, दिया है किसको, एम्पलीफायर को दिया है, और ये एम्पलीफायर सर्किट को दिया, तो ये पॉजिटिव दिया और ये नेगेटिव दिया, ये एम्पलीफायर सर्किट को। अब इस इनपुट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हम इस चीज को देखना चाह रहे हैं, किसके, इस सिग्नल को, जब इस सिग्नल के अंदर हमें कैसे कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में आएगा, तो कनेक्शन में डाल रहा हूं। देखो यहां पे अगर ये नॉन इन्वर्टिंग है, जैसा सिग्नल आ रहा है वैसा का वैसा सिग्नल निकला है, तो हमें यहां पर उसको ऐड करना है, तो ये कैसा है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव और ये मेरे पास पॉजिटिव, क्योंकि सिग्नल नॉन इन्वर्टिंग है मेरे पास इस केस में, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पर ये नेगेटिव यहां पर आया, ये पॉजिटिव यहां पर आया, तो यहां पर जब मैंने कनेक्ट किया, और ये फीडबैक सिग्नल है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये मेरे पास ऐसे कनेक्ट हो गया, और ये मेरे पास फीडबैक सर्किट, फीडबैक वोल्टेज है। और हम केवीएल रूल अप्लाई करना जानते हैं, और केवीएल जब कोई भी क्लोज सर्किट बनता है तो उसके अंदर जितने भी वोल्टेज होते हैं उन सब का सम किसके बराबर होता है, जीरो होता है। और हम कैसे ट्रेस करते हैं, केवीएल को अप्लाई कर कैसे करते हैं, हायर लोअर पोटेंशियल से चलते हैं, और हायर पोटेंशियल, और अगर मैं हायर से लोअर जाऊंगा तो उसको क्या कंसिडर करूंगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब मैं अगर इसमें यहां से चल रहा हूं, देखिए लोअर से हायर ये ऐसे चल रहा हूं, तो मेरे पास ये कैसा सोर्स आएगा, पॉजिटिव वीएस आएगा, ऐसे चला। अब मैं कैसे चला, हायर से लोअर चला, इसका मतलब मैंने हायर से लोअर चला तो इसको वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव वीआईएस। अब फिर मैं नेगेटिव से कहां पर चला, हायर चला, तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, वी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां पर इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या हो गई, जो वीएस था उसके अंदर क्या हो गया, वीएफ ऐड हो गया आकर। तो यहीं पर ये वो बात यहीं पर तो हो रही है, इस सिग्नल के अंदर ये वाला सिग्नल सेम फेस के अंदर आकर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो इनपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। इसका मतलब इस एम्पलीफायर के ऊपर अप्लाई होने वाली वोल्टेज की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जो कि मैंने पहला स्टेप यही लिखा है। अगर इनपुट सिग्नल, अगर मेरे पास ये वाला जो इनपुट सोर्स से जो मैं सिग्नल दे रहा हूं वो वाला सिग्नल, और जो फीडबैक सर्किट का जो सिग्नल है वो वाला सिग्नल, दोनों के दोनों किस में है, सेम फेज के अंदर है, होंगे इसके अंदर सेम फेज के अंदर। अगर ऐसी कंडीशन होगी तो क्या होगा, ये हमने देखने की कोशिश की, जो ये इस एम्पलीफायर के लिए अफेक्टिव इनपुट वी आई है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी, हमने देख लिया है। इसका मतलब मैंने यही लिखा, स्ट्रेंथ ऑफ अफेक्टिव इनपुट सिग्नल इज इंक्रीजेस, इंक्रीज होगी। और अगर इसकी अफेक्टिव इनपुट स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो हमें गेन जो मिलेगी इस एम्पलीफायर सर्किट के थ्रू, तो वो कैसे मिलेगी, हमें इंक्रीज होकर मिलेगी पॉजिटिव फीडबैक के अंदर। पॉजिटिव फीडबैक एम्पलीफायर पे जो सर्किट है वो क्या करेगा, ओवरऑल गेन ऑफ एम्पलीफायर को इंक्रीज करेगा। क्यों इंक्रीज करेगा, हमने कंसेप्ट को समझ लिया, अगर हमारे पास इफेक्टिव इनपुट ही इंक्रीज करेगी तो आउटपुट क्या करेगी, इंक्रीज होकर मिलेगी। दूसरा, ऐसी प्रक्रिया को या ऐसे प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, ये जनरेट कर रहा है, तो यहां पर पॉजिटिव फीडबैक को और हम क्या कह सकते हैं, रीजनरेटिव फीडबैक, दोबारा से जनरेट हो रही है, रीजनरेट हो रही है। रीजनरेट क्या हो रही है,
इनपुट सिग्नल था उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई जब ये फीडबैक आकर मिला, इंक्रीज हो गई, तो रीजनरेट हो गई। तो इस पॉजिटिव फीडबैक को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं ये एक रीजनरेटिव फीडबैक है। और जो ये पॉजिटिव फीडबैक है इसका हम यूज कहां पर करते हैं, ऑसिलेटर्स के अंदर करते हैं। अभी मैं समझाने वाला हूं ऑसिलेटर्स को। इसका यूज हम कहां पर नहीं करते, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस में यूज नहीं करते हैं। तो पॉजिटिव फीडबैक क्यों नाम दिया गया, पॉजिटिव फीडबैक इसलिए नाम दिया गया कि जो इनपुट सिग्नल है और जो फीडबैक सर्किट का जो हमें सिग्नल मिल रहा है वो दोनों के दोनों किस में मिलेंगे, सेम फेज के अंदर मिलेंगे। और वोल्टेज हम यहां से कैसे कनेक्ट होगी, सीरीज में कनेक्ट होगी, तो दोनों सिग्नल क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐड होंगे तो इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। ऐसे फीडबैक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव फीडबैक बोलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम नेगेटिव फीडबैक की। अगर मेरे पास ये वाला जो एम्पलीफायर है ये क्या चीज है, अगर मेरे पास देखिए ये मेरे पास पोज करो, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, जैसा मैंने दिया वैसा का वैसा मेरे को आउटपुट के अंदर मिला, लेकिन मेरा ये जो फीडबैक सर्किट है ये क्या कर रहा है, फेज शिफ्ट कर रहा है। जो मेरे को आउटपुट दे रहा है, ये आउटपुट सिग्नल दे रहा है, वो कैसा दे रहा है, सपोज करो ये नेगेटिव ऐसे करके दे रहा है। तो यहां पर ये क्या बन गया, ये मेरे पास क्या बन गया, नेगेटिव ऐसे बन जाएगा, ये मेरे पास इन्वर्टिंग करके दे रहा है, मैं आपको समझा रहा हूं ये पॉजिटिव बन गया सपोज करिए। तो इस केस में क्या होगा, तो यहां पर मैंने इनपुट सिग्नल और मेरे पास आउटपुट जो सिग्नल है वो दोनों के दोनों किस में है, सेम फेज के अंदर नहीं है, दोनों के दोनों का फेज क्या है, 180 डिग्री का है। तो इस केस में यहां पर ये पॉजिटिव अगर हो गया तो ये वाला देखिए यहां पर ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया, इस इनपुट के अंदर जाकर मिल जाएंगे। तो यहां पर जब इस क्लोज लूप के अंदर मैं केवीएल को अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यहां पर ये वाला वीएफ भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि मैं हायर से लोअर की तरफ जाऊंगा। तो इस केस में अगर मैं वीआई की वैल्यू को निकालूं तो यहां से वीएस माइनस क्या बन गया, ये वीएफ बन गया। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा है, मेरे पास जो इनपुट सिग्नल है यहां पर मेरे को आउटपुट के अंदर मिला, ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। इसका मतलब एम्पलीफायर और फीडबैक सर्किट के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180 का है। तो यहां पर हमें इस केस के अंदर जो ये वाला सिग्नल इनपुट के अंदर फीड होगा उसके अंदर इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ क्या होगी, डिक्रीज करेगी। यानी कि जितना मैं ये सिग्नल, अगर सपोज करो इनपुट पहले सपोज करो 2 वोल्ट दे रहा था और यहां से आकर 0.5 इसमें एड हो गया, तो इनपुट सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी रह गई, 1.5 वोल्ट रह गई। अब आउटपुट के अंदर मेरे को क्या मिलेगा उसकी बात करते हैं। देखिए तो नेगेटिव फीडबैक के अंदर क्या होगा, नेगेटिव फीडबैक के अंदर इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल दोनों के दोनों सेम फेज के अंदर नहीं होंगे, वो आउट ऑफ फेज होंगे, 180 का फेज डिफरेंस होगा। तो मैंने पहला वर्ड यही लिखा, इनपुट सिग्नल एंड फीडबैक सिग्नल आर नॉट इन फेज, सेम फेज के अंदर नहीं है। ऐसा होने से क्या हुआ, हमारा जो इनपुट सिग्नल है उसकी स्ट्रेंथ क्या हुई, स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द इनपुट सिग्नल क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज होने से क्या होगा, ओवरऑल गेन ऑफ द एम्पलीफायर, ओवरऑल गेन जो हम निकालेंगे ना, ओवरऑल गेन क्या होगी, आउटपुट अपॉन ये वीएस, ओवरऑल गेन इस सर्किट की क्या होगी, हमारी डिक्रीज करेगी, कम होगी, रिड्यूस होगी। और ऐसी सर्किट को हम किसके अंदर यूज करते हैं, एम्पलीफायर्स के अंदर यूज करते हैं, एम्पलीफिकेशन प्रोसेस के अंदर यूज करते हैं। तो ये क्या करता है, डीजनरेट कर रहा है, ये मतलब ये डीजनरेट कर रहा है इस सर्किट, इस फीडबैक को हम और क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द डीजनरेटिव फीडबैक। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस
हम बात करेंगे जर्नल थ्योरी ऑफ फीडबैक, जिसको जिसके अंदर हम समझने वाले हैं पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक के को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू।